हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में पोकलाइन एंड सपोर्ट हिंदी में। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज मैं अपने मशीन में दिखा रहा हूं आप लोगों को कि हमारे मशीन का जो है अंदर सील बचा है, बाहर वाला डस्ट सील जो होता है वो टूट के निकल गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तब ले देखिए। आप लोग देख रहे हैं ये जो हमारा बाहर वाला डस्ट सील है ये टूट के निकल गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हमारा टपक भी रहा है। देखिए फ्रेंड्स, यह हमारा धीरे धीरे हाइड्रोलिक निकल रहा है, यानी टपक रहा है। देखिए, आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ पे टपक रहा है और इतना बहा भी है। ठीक है, देखिए इतना बहा है, इतना टपका है, इतना चूहा है। देखिए यहाँ, देखिए इतना बहा है पूरा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपका ये आगे का डस्ट सील यानी ये ऊपर का एक दो सील अगर निकल भी जाता है तब पर भी आप मशीन को आसानी से चला सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हाइड्रोलिक गिरेगा फ्रेंड्स, तो टेंशन लेने का नहीं फ्रेंड्स, आप चलाइए, काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो ऊपर का है आगे का ये निकल जाता है बाहर तब पर भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फ्रेंड्स 12-13 सील होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कन्फर्म बता देंगे आपको कि इसमें कितने सील लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको पूरा जानकारी चाहिए फ्रेंड्स तो हमें कमेंट करिए, हम आपके लिए वीडियो ज़रूर ला देंगे। और जानकारी भरी वीडियो हमेशा मैं इसी चैनल पर आप लोगों को हमेशा मैं डालता रहता हूँ पोकलाइन के रिलेटेड जानकारी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन वाला बटन दबा के ऑल पे जरूर लगा लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि जब भी मैं जानकारी फ्री डालूँ तो सबसे पहले आपके मोबाइल में चली जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों का अगर ये आगे का डस्ट सील निकल गया है तो आप लोग काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत बात वाली बात नहीं है, बस थोड़ा बहुत आप लोग का हाइड्रोलिक लीक करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपका हाइड्रोलिक लीक कर रहा है तो आप अगर मशीन को चला के खड़ी कर रहे हैं फ्रेंड्स तो वहाँ से जो प्रेशर वाला जो सील होता है, प्रेशर वाला नहीं, प्रेशर जो होता है यहाँ पे टंकी पे, इसको आप दबा दीजिए। यहाँ से अगर आपका गैस निकल जाएगा तो फ्रेंड्स आपका वहाँ से लीकेज करना बंद हो जाएगा, यानी जितना प्रेशर से वहाँ टपकेगा वो बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आसानी से आपका हाइड्रोलिक बचा भी रहेगा और अपना काम भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जानकारी भरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबा के ऑल पे लगाना ना भूलें फ्रेंड्स, क्योंकि मैं ऐसी ही पोकलाइन की जानकारी हमेशा मैं इसी चैनल पर देता रहता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, और कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करिए, हम आपके लिए वीडियो जरूर लाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जानकारी भरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाएं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद।